हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी रिसर्च इन एजुकेशन में ये काफी डिस्कस होने वाला टॉपिक है तो सबसे पहले तो समझते हैं कि रिलायबिलिटी होता क्या है जब आप एक गुड टेस्ट या एक गुड टूल की बात करते हो कि जिससे आप रिसर्च कर रहे हो वो कैसा है तो उसमें एक फैक्टर हम लोग चेक करते हैं दैट इज रिलायबिलिटी नाउ रिलायबिलिटी का मतलब क्या है रिलायबिलिटी को हम लिंक करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ लेकिन यहाँ पे वो कैसे लिंक हो रहे हैं बेसिकली अगर एक टेस्ट जिसमें आपने कोई टूल यूज किया है वो कंसिस्टेंट सेम रिजल्ट दिखा रहा है या बार बार यूज करने पे वो अलग अलग सिचुएशन में सेम या कंसिस्टेंट आसपास का रिजल्ट दिखाता है तो हम बोलते हैं कि ये टेस्ट रिलायबल है या ये टूल जो हम यूज कर रहे हैं ये रिलायबल ठीक है सिंपल शब्दों में समझाया लाइन टू लाइन दोबारा पढ़ के बताती हूँ रिलायबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेस्ट और टूल यानी कि जो टूल आपने यूज़ किया या जो टेस्ट आप यूज़ कर रहे हो उसमें रिलायबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी कि कंसिस्टेंटली वो कैसा रिजल्ट शो कर रहा है एक टेस्ट दैट शोज अ कंसिस्टेंट रिजल्ट एक ऐसा टेस्ट जो बार बार कंसिस्टेंट रिजल्ट शो करेगा फ्रीक्वेंट यूजेस के अंदर अलग अलग सिचुएशन में थोड़ा सा या जो भी सैंपल था थोड़ा सा चेंज कर दिया और वो सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट शो करता है तो आप बोलते हो कि ये जो टूल है या ये टेस्ट जो है ये रिलायेबल है रिलायबल को भी अगर मतलब देखो तो ये होता है ना किसी पर रिलाएबल आप हो तो मतलब आप उस पर डिपेंडेंट हो तो यहाँ पे आप उस पर भरोसा कर सकते हो इट इज रिलायबल नाउ अदर्स इनऑनिमल दैट कैन बी यूज फॉर गेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट जो मैंने अभी डिस्कस करा दैट इज डिपेंडेबिलिटी स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी प्रडिक्टबिलिटी एक्ूरेसी ये सब चीजें भी यूज हो जाती हैं कि क्या ये टेस्ट यू नो कंसिस्टेंट है क्या ये एक्यूरेट है क्या ये प्रोडिक्टेबल है इस तरह से इट इम्प्लाइज दैट द रिलायबल टेस्ट ऑलवेज प्रोवाइड आ स्टेबल डिपेंडेबल एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट इन इट सब्सिकेंट यूज़ तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए न आपने कोई टू लीयर टेस्ट करा और उसका रिजल्ट ए आया तो ए से थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा अगर आप दोबारा सेम टेस्ट करते हो लेकिन अगर वो बिल्कुल जेड आ गया बिल्कुल अलग ही आ गया तो दैट आपका टूल या टेस्ट रिलायबल नहीं है आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इट इज नॉट शोइंग द एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट ठीक है तो टेस्ट जो होते हैं रिलायबल टेस्ट हमेशा एक स्टेबल सोल्यूशन देते हैं या जिसपे आप भरोसा कर सको ऐसा सोल्यूशन देते हैं एक्यूरेट या कंसिस्टेंट रिजल्ट शो करते हैं नाउ आर

सेम ए मतलब आप समझ रहे हो सेम सेम ग्रुप ग्रुप लिया आपने आपने ऑफ सैंपल्स लिए इसके ऊपर ये टेस्ट करा T1. फिर कुछ इंटरवल तो यहाँ पे आपने अब कोरिलेशन देखा कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है और इसका क्या रिजल्ट आ रहा है दोनों को आप कोरिलेट करोगे कि कि कितना इस दोनों में सिमिलैरिटी है क्या चेंज है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज पॉजिटिव एंड हाई ये आपने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो इवेंचुअली मैं कवर करवा दूंगी अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव आता है और हाई आता है दैट मींस द टेस्ट इज रिलायबल बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स द टेस्ट इज नॉट रिलायबल आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते राइट right? नाउ अब हर टेस्ट के हर मेथड के कोई ना कोई लिमिटेशंस होते हैं लिमिटेशन क्या है इस मेथड को यूज करने का जो हम टेस्ट रीटेस्ट बोलते हैं एज द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड ट्वाइस ऑन द सेम ग्रुप जब आप सेम टेस्ट एडमिनिस्टर्ड करते हो सेम ग्रुप पे दो बार देर विल बी अ थ्रेट ऑफ कैरी ओवर इफेक्ट यानी कि जब आप दूसरी बार एडमिनिस्टर करोगे तो हो सकता है जैसे यहां पे आपको समझाती हूं मैं आपने सेम पॉपुलेशन सेम सैंपल लिया है टी वन करा फिर उसके कुछ टाइम के बाद टी टू किया बट कैरी ओवर इफेक्ट मतलब इनको याद रहेगा कि हमने क्या किया था यानी इस ए जो है सेम पॉपुलेशन सेम सैंपल को याद रहेगा कि हमने पहले क्या टिक किया था तो ये कैरी ओवर इफेक्ट हो गया कि उनको याद रहा सो विच मीन्स ड्यूरिंग द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन दो कैंडिडेट्स हैं दे मे रिमेंबर मेनी आइटम्स फ्रॉम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि वो शायद कुछ चीजें याद रखें पहले एडमिनिस्ट्रेशन से सेकेंड आता है द स्कोरिंग ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ यूजली हाई देन द फर्स्ट वन और जब जो स्कोरिंग होती है ना क्योंकि उन्हें याद रहता है कि उन्होंने क्या क्या टिक किया था उनको थोड़ा सा आइडिया रहता है तो स्कोरिंग सेकेंड वाले की यानी कि इस वाले की ये सेकेंड लिख देती हूँ ये फर्स्ट लिख देती हूँ तो इस सेकेंड वाले की स्कोरिंग हाई रहती है यूजअली हमेशा देखा जाता है now maintaining a gap of time between the test and retest is also again one of the important aspects of determining the exact value of reliability मतलब आप test और retest के बीच में gap proper maintain करो ये बहुत जरूरी है ताकि आपको exact value मिले reliability की क्यों अगर time gap दोनों test के बीच में जो आपने test लिया था t1 और t2 अगर इसके बीच में time gap बहुत कम है तो वो कैरी इफेक्ट कैरी ओवर इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा मतलब लोगों को याद रहेगा कि हाँ हमने ये टिक किया था तो बहुत कम में तो जैसे सपोज आपका मैं आज एक चैप्टर का टेस्ट ले लूँ और कल दोबारा उसका पंद्रह दिन बाद टेस्ट ले लूँ तो आपको बहुत चीजें याद रहेंगी कि मैम ने टेस्ट में यही सब चीजें पूछी थी ये सब हो सकता है लेकिन ये तो तब हो गया जब बहुत कम गैप है सेकेंड चीज हो गई सेकंड सिचुएशन अगर टाइम गैप बहुत ज्यादा है जो आपके सैम्पल है उनका मिच्योरिटी यानी सपोज मैं आपसे आज एक चीज़ पूछ रही हूँ और अब मैं आपसे चार पाँच महीने बाद पूछूँ कोई चीज़ तो हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाए उस चीज़ को लेके आप पॉपुलेशन तो सेम हो लेकिन आपका देखने का नजरिया चीज़ों को अलग हो सकता है बिकॉज आपके अंदर थोड़ी सी मिच्योरिटी या आपने आसपास से चीज़ें सीख ली हैं तो ये देखने को मिल सकता है सो so, दोनों चीज़ों के साथ प्रॉब्लम है बहुत जल्दी लेने में भी और बहुत ज़्यादा टाइम गैप देने में भी तो ये एक लिमिटेशन है इस मेथड का ये मेथड इज़ नॉट फ्री फ्रॉम एरर्स क्योंकि यहाँ पे कैरी ओवर प्रैक्टिस जिसमें पहले की चीजें याद रहती हैं और मिच्योरिटी इफेक्ट्स काफी हाई हो जाते हैं ठीक है सो दिस इज द वन मेथड दैट इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जिसमें आपने टी वन लिया टी टू लिया मतलब पहला टेस्ट सेम पॉपुलेशन पे सेम सैंपल पे लिया लेकिन गैप जो था वो बहुत कम या ज्यादा होने की वजह से गड़बड़ हो सकती है नेक्स्ट पे आते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी ना व्हाट इज दिस पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी

ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स एंड नंबर ऑफ आइटम द टाइम अलाउड इन बोथ द टेस्ट तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आपके स्कूल में कभी ना कभी ऐसा होगा एक सेट ए बना होगा आपके लिए ठीक है सेट ए में सेम सब सेम टॉपिक सब कुछ सेम है लेकिन कंटेंट थोड़ा सा अलग आएगा सेट ए वालों के क्वेश्चन अलग होंगे सेट बी के अलग होंगे लेकिन कितना भी कर लो काफी हद तक चीजें सेम ही रहेंगी है ना तो यहाँ पे हमने क्या करा हमने एक टेस्ट बनाया जिसमें हमने एरर से यू you नो know, पहले वाले में जो टेस्ट थी टेस्ट में जो एरर थे उसको कम करने के लिए दो सेट बना दिए या फिर दो टेस्ट लिए जो कि काफ़ी हद तक सेम है उसके अंदर जो कंटेंट है और वो सब चीज़ें सेम ना ये जो टेस्ट है इसके भी लिमिटेशंस आ गए क्या लिमिटेशंस हैं ये भी कोई फ्री नहीं है कम्प्लीटली आपने दो बना दिया आपने टेस्ट ले लिया लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ एरर नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस एंड कैरी ओवर इफेक्ट इज नॉट टोटली मिनिमाइज एज बोथ द टेस्ट आर इक्वेलेंट इन नेचर एंड मेनी रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट ओनली सॉरी एस्पेक्ट्स है ये आई एम सो सॉरी फॉर दैट एक्सेप्ट ओनली द आइटम्स आर डिफरेंट एंड टाइम इंटरवल ऑफ 15 डेज टू सिक्स इज गिवन फॉर टेस्टिंग द सेकंड फॉर्म ऑफ द टेस्ट देखो इसमें भी कही कहीं ना कहीं कैरी ओवर अफेक्ट आ जाता है क्योंकि आपने जो टेस्ट बनाए हैं T1 और T2 वो आपने ये बनाए सोच के कि हम बहुत ज़्यादा लगनी करेंगे सेम सेम से बनाए तो इसमें भी कुछ लोगों को चीज़ें याद रहती हैं ठीक है थीके? और जो टाइम गैप आप देते हो वो 15 डेज टू सिक्स मंथ का देते हो ताकि आप सेकेंड टेस्ट जो लोगे पंद्रह दिन से लेके कर महीने के बीच में कभी भी ले सकते हो अब यहाँ पे ये चांस है कि स्टूडेंट्स ना प्रैक्टिस कर लें सिमिलर कंटेंट जो इन्होंने यहाँ पे टेस्ट दिया था शायद वो चीज़ें उनकी रिवाइज़ हो जाए समाओ क्योंकि बहुत हद तक सेम ही है ना कंटेंट तो सेम ही रहेगा चाहे क्वेश्चन चेंज कर दो चाहे आप कुछ एस्पेक्ट्स चेंज कर दो लेकिन बहुत चीजें सेम रहेंगी क्योंकि पहला टेस्ट है तो हो सकता है बच्चे उस चीज को प्रैक्टिस कर लें एंड ज्यादा चांसेस है कि सेकेंड टेस्ट में बेटर स्कोर करें ठीक है तो ये एक वन ऑफ द लिमिटेशन हो गई एक दो पैलर फॉर्म ऑफ टेस्ट बनाना अपने आप में कॉम्प्लेक्स टेस्ट मतलब टास्क है आप सोचो मैं आपको एज अ टीचर बोलती हूँ कि आपको दो यूनिट में से क्वेश्चन देने हैं सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है तो आप एक टेस्ट बना दोगे अब मैं आपको ये सब खत्म करके बोलूँ कि आपको एक और टेस्ट बनाना है जिसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए बट सेम नहीं होने चाहिए तो वो ज्यादा मेहनत का काम है तो इसीलिए दो पैलो फॉर्म ऑफ टेस्ट बनाना अपने आप में इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क एंड द मेथड इज कम्पेरेटिवली टाइम टेकिंग बहुत टाइम टेकिंग है ना आप टेस्ट बना रहे हो उसके बाद आप वेट कर रहे हो हर चीज तो इट इज अ टाइम टेकिंग ऑल दो टाइम टेकिंग तो वो भी हो सकता है बट यहाँ पे टेस्ट जो मेहनत है वो प्रॉपर बढ़ चुकी है आपकी ठीक है नाउ अब ये चीज और देख लेते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी हम टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी भी कवर कर रहे हैं और इसमें मेथड्स कौन से यूज होते हैं वो पढ़ रहे हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी ये बताती है कि होमोजेनिटी क्या है टेस्ट के अंदर इफ ऑल द आइटम्स ऑफ द टेस्ट मेजर द सेम फंक्शन और ट्रेड जितने भी आइटम्स हैं टेस्ट के वो सेम फंक्शन या ट्रेड मेजर करते हैं टू बी होमोजेनस वन एंड इट्स इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी वुड बी प्रेटी हाई मतलब अगर कोई टेस्ट आप लेके चल रहे हो उसके जितने भी यू you नो know, टेस्ट चीजें हैं वो मेजर कर रहे हैं सेम टेस्ट या सेम मेजर तो हम बोलते हैं कि ये जो टेस्ट है ये होमोजेनस हो गया ठीक है क्योंकि इसकी जो रिलायबिलिटी निकलेगी सब चीज़ें आपने जितनी भी ली हैं इसके अंदर सेम फंक्शन ट्रेड को लेके चल रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो इसकी रिलायबिलिटी होगी वो थोड़ी सी हाई निकलेगी अच्छा अब इसको मेजर uh, करने का भी तरीका है देर आर डिफरेंट मेथड्स जैसे कि स्प्लिट हाफ मेथड एंड रेशनल इक्वेलेंस मेथड ये अभी मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं करें बट इफ़ यू वॉन्ट टू सी सच वीडियोज़ पार्ट टू अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा आई एल ट्राई टू अपलोड द पार्ट टू एज वेल एंड साथ के साथ प्लेज ज़रूर चेक कीजिएगा मैंने बी एड एम एड नेट से रिलेटेड प्ले लिस्ट बना रखी है आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग फोल्डर्स में यू नो बांटा हुआ है तो आपको आराम से मिल जाएंगे ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी एंड साथ के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं ना अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है दे इज अ ऑप्शन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जिसमें आप मेरे लिए एक बुक यू कैन बाई मी अ बुक और साथ के साथ वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ की साथ आप बेल बटन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ थैंक यू सो मच हैव एन नाइस डे एल्स यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो